हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री. हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ. आई होप स्टूडेंट्स, आपने जो फर्स्ट वीडियो देखी होगी, फर्स्ट वीडियो में हमने जाना समझा कि किस तरह से एक ब्रिटेन कंट्री, जो ब्रिटिश पीपल, वो हमारे यहाँ पर आए और आकर के हमें एक कॉलोनी बना लिया, हमें गुलाम बना लिया, हम एक औपनिवेशिक कंट्री में तब्दील हो गए. ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की थी कि जिस तरह से हमारे घर में कोई मेहमान हमसे पूछ करके, इजाजत लेकर के आए और बहुत बाय रिस्पेक्टली आए और धीरे 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 वो हमारे घर को गुलाम बना ले, हमारी सारी पॉलिसीज को चेंज कर दें. तो वही काम हुआ था हमारे बीच में और ब्रिटेन गवर्नमेंट के बीच में. आई नो कि आपको फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑन द अनदर विद अनदर क्वेश्चन. ठीक है, अब बात क्या है बेटा, यहां पर हमें जानने वाली बात यह है कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थे, जो ब्रिटिश पीपल यहां पर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहां पर थी, जो यहां पर राज कर रही थी, ठीक है, जो हमें ना पसंद थी, लेकिन उन्होंने क्या काम किया. देखो, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी के पिछले 2 साल पहले क्या हुआ, आप जभी जभी बता दोगे कि सर ऐसा हुआ था, सर ऐसा हुआ था, सर ऐसा हुआ था. फिर मैं पूछूं 5 साल पहले कि हाँ सर ऐसा हुआ था, 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि सर ऐसा हो था, ऐसा हो रहा, तो आप कॉन्फिडेंस होंगे भी और नहीं भी होंगे. लेकिन अगर मैं पूछूं बेटा आज से 30 ईयर्स पहले या 40 ईयर्स पहले क्या हुआ था, तो आप बोलोगे सर वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम. हाँ, हमारे पेरेंट्स को मालूम होगा या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को मालूम होगा. ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि बेटा व्हाट हैपन बिफोर 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले क्या हुआ था, तो आप कहोगे कि सर ये तो ना मुझे, ना मेरे पिता पेरेंट्स को, या ना उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, ना उनके ग्रैंड पेरेंट्स को पता होगा. फिर मैंने कहा किसको पता होगा. तो हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, हम कैसे बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री के अंदर में ऐसे हुआ था, तो वो पता लगाते हैं बेटा हम एविडेंस के थ्रू, क्लूज के थ्रू, डिगिंग एविडेंस के थ्रू, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, स्टेचूज के थ्रू, ठीक है, और कई तरह के ऐसे हमारे एविडेंस थे जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं. फर्स्ट वीडियो में बेटा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि द पास्ट इज ए वे टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री, हिस्ट्री इज ए वे टू नो अबाउट आवर पास्ट, कि हिस्ट्री हमारे पास्ट को जानने का एक तरीका है. ठीक है, और उस पास्ट पे विश्वास कैसे किया जाए, उस पास्ट पे विश्वास कैसे करें, हम बिलीव कैसे करें कि ये बात ऐसे ही होगी, तो बेटा उस बात को बिलीव करने के लिए या उस बात पे विश्वास करने के लिए कि हाँ ये सच है, तो उसके लिए हमें कुछ सबूत की जरूरत पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ मॉन्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ती है. तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये डॉक्यूमेंट्स, ये डिगिंग एविडेंस जो खोद करके निकाले गए, ये हमें बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री ऐसे रही थी. तो हमें ज़्यादा दूर अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम हड़प्पा संस्कृति की बात नहीं कर रहे, अभी हम मोहनजोदड़ो की बात नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं ब्रिटिश टाइम की. वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट, वी आर जस्ट ओनली डिस्कसिंग अबाउट द ब्रिटिश पीरियड, व्हाट हैपन इन द ब्रिटिश पीरियड एक्चुअली. सो चलिए लेट स्टार्ट आवर सेकेंड वीडियो ऑन चैप्टर फर्स्ट क्लास 8, हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहां. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये है हाउ डू वी नो अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. हमें आज से 250 साल पहले, तकरीबन 250 साल पहले के बारे में हम अपनी हिस्ट्री को कैसे जानते हैं, किस प्रकार से पता लगाते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा आपकी बुक के अंदर में, आई एम 100% श्योर ये एक क्वेश्चन होगा, उसके अंदर में होगा
तो ये आपको एक बहुत अच्छा रेफरेंस हो सकता है कि हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिजर्व दैट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिजर्व ऑफिशियल गवर्नमेंट। पूछने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व करके रखती थी। प्रिजर्व मतलब होता बचा के रखना, संभाल के रखना। ओके तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे जो जो मेमोज हैं, या उनको डॉक्यूमेंट्स को संभाल के क्यों रखती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सपोज अगर मैंने कुछ काम किया, वो काम जो मैं कर रहा हूं उस काम को मैंने लिखा, पढ़ा, सोचा, समझा, फिर उसका जो रिजल्ट आया, अगर उसका अच्छा रिजल्ट आया तब भी मैंने संभाला उस रिकॉर्ड को, अगर बुरा रिजल्ट आया तो उसको रिकॉर्ड को मुझे तब भी संभाल के रखना है, ताकि मेरे बाद में मेरे आने वाली जनरेशन या उसके बाद में उनके आने वाली जनरेशन उस रिकॉर्ड को देखे कि इस रिकॉर्ड के थ्रू क्या हुआ था एक्चुअल में, तो एक्चुअल में हुआ क्या था, तो वो पता कर सके कि इतिहास में ऐसा करने पर ये हुआ था, तो हमें रिजल्ट ये मिला था, ताकि हमें ये करना है या नहीं करना। एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, आप अपने आस पड़ोस में पूछते हो गए, या अपने पापा से या पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हो गए कि कोई भी देखे होंगे आपने लैंड रिकॉर्ड रखे जाते हैं संभाल करके कि ये लैंड पहले उनकी थी, फिर उनकी थी, फिर उनकी थी। ये सारे के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिजर्व करे रखे जाते हैं, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो और हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता रहे। एक बात, तो सेम जो मैं आज समझा रहा हूँ वो इसी के ऊपर में बेस्ड है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी बेटा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट संभाल के रखती थी, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, हर बात को अपने ऑफिशियल को, चाहे वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, उनको भी वो संभाल के रखती थी। देखिए, तो आपका ये क्वेश्चन कवर अप करेगा व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और आपकी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, द हाउ डू वी नो अबाउट द लास्ट 250 इयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की 250 साल पहले की हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब बेटा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, आपने ब्रिटिश रूल सुना, ब्रिटिश गवर्नमेंट सुना, लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार सुन रहे होंगे। आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स को ये पता होगा, और कुछ को नहीं पता तो इट्स ओके, हम बता देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं जहाँ पर काम काज होता है, जहाँ पर लिखा पढ़ी होती है, जहाँ पर कुछ काम आना जाना, रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है, कुछ फाइलों को यहाँ से वहाँ, यानी मतलब कि टोटल पेपर वर्क, उसको उस एरिया को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेटा क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम काज होते थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या फिर कोई और अदर हो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में बेटा क्या है, ब्रिटिश के बंगाल, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, बहुत से ऐसे प्रेसिडेंसी थी जो वो ऑफिशियल प्रेसिडेंसी थी, जहाँ पर वो अपने वहाँ पर किए जाने वाले कामों को, जो उन्होंने वहाँ पर काम किए उनको संभाल के रखती थी। तो ब्रिटिश ऐसी नहीं थी कि ब्रिटिश दिल्ली में आकर के रह रही थी ब्रिटिश और पीपल, या गुजरात में रह रहे थे या फिर कलकत्ता में रह रहे थे, उनका अपने ऑफिसेस ब्रांचेस हर जगह थी, और हर जगह के ऊपर में वो क्या करते थे, अपने होने वाले कामों को प्रिजर्व करते थे। वो करते क्यों थे, देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड कैसे संभालती थी, देखिए फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है एवरी इंस्ट्रक्शन, जितने भी वो निर्देश देते थे किसको, राजाओं को और नवाब्स को इंस्ट्रक्शन देते थे, वो इंस्ट्रक्शन देते थे उनको फॉलो करना पड़ता था।
किनको? नवाब और राजाओं को। नवाब और राजा के बारे में बेटा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो मुस्लिम मोमेडन पीपल्स होते हैं, मुसलमान होते हैं, उनके अंदर में जो बहुत अमीर हो, जिसके पास में फुल डायनेस्टी हो, उसे नवाब बोलते हैं। ठीक है, तो क्या था? और राजा वो एवरी इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश होते थे, प्लान, योजना, पॉलिसीज, नीतियां, डिसीजन, निर्णय, एग्रीमेंट, जो अनुबंधन होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था, एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, उसको रिटन करते थे। जैसे कि किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी डायनेस्टी को इंस्ट्रक्शन दिए, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, वो इंस्ट्रक्शन वो लिखे होते थे और लिख करके वो रिकॉर्ड अपने पास में रख लेते थे और दूसरा रिकॉर्ड उस डायनेस्टी को दे देते थे, क्योंकि वो समझते थे कि हम इनके ऊपर में रूल कर रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को लिखते, वो अपनी प्लान को लिख लेते थे, पॉलिसीज नीतियों को लिख लेते थे, डिसीजन जो उन्होंने डिसीजन लिए वो डिसीजन को लिखते थे, एग्रीमेंट। अभी क्या था बेटा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में आपस में काम करने के तरीकों को लेकर के कुछ बातें लिखना, नियम और शर्तें लिखना। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ज्यादातर एग्रीमेंट्स पे चलती थी। एग्रीमेंट्स मतलब कि वो होते क्या थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा नवाब राजा उनको ड्रा करके धमका करके अपने अधीन कर लिया करती थी, सबजुगेटेड कर लेती थी कि भाई तुम आज से हमारे अधीन हो, हम जो कहेंगे आप वो काम करोगे। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या होते थे, उन कोई प्यार से अगर डायनेस्टी मानती तो प्यार से मान जाया करती थी, तो उनके ऊपर नहीं तो ड्रा करके धमका करके या फिर लालच दे करके उनको अपने अधीन करते किया जाता था, सबजुगेटेड किया जाता था। तो उस एग्रीमेंट लिखा जाता था। और याद रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इतनी चीप, इतनी ग्रीडी पीपल हुआ करते थे कि ये जो भी एग्रीमेंट बनते थे वो अपने ही फेवर में बनवाती थी, अपने ही फेवर में बनते थे कि आपको हमें इतना पैसा देना है, आपको इतना टैक्स देना है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको अपनी मिलिट्री नहीं बढ़ानी। ठीक है, आप कि कोई दूसरे राजा से बिजनेस नहीं कर सकते, आप कोई भी बिजनेस करोगे तो हमसे करोगे, आप कोई भी माल खरीदोगे तो हमसे ही खरीदोगे, किसी और व्यापारी से और ट्रेडर से व्यापार नहीं कर, मतलब कि कहने का मतलब है टोटल एक्सप्लोइट एक्सप्लोइट एक्सप्लोइट। ठीक है, एक्सप्लोइट। तो वो एग्रीमेंट करती थी और वो सारे के सारे एग्रीमेंट होते थे बेटा वो अपने ही फेवर में करती थी, ताकि उनका सिर्फ एक एम हो, एक ही एम होता था कि लूटना और लूटना और लूटना। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, वो बिल्कुल क्लियरली रिटन करके रखती थी कि भाई वो लिख लिया करती थी, जो भी डिसीजन पॉलिसीज जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते थे वो उनको लिख लिया करती थी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा? सेकेंड पॉइंट वो क्या कहता है? All important documents, जितने भी जरूरी कागज होते थे all important documents, जितने भी जरूरी कागज होते थे and letters, और पत्र हुआ करते थे, ठीक है, were carefully preserved, उनको carefully बचा करके रखा जाया करता था। अब देखो, ध्यान देना बेटा, ओल्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जितने भी जरूरी कागज होते थे कि हमें किनसे कितना टैक्स लेना है, हमें किसको कितना रुपया लेना है, हमें किससे किसको हमारे साथ में व्यापार करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे। ठीक है, कुछ ट्रीटीज भी होती थी कुछ राजाओं के साथ में। ट्रीटी बोलते हैं बेटा संधि, कि संधि बोलते हैं कुछ राजा अपनी मर्जी से अंग्रेजों के सब्जुगेटेड हो जाते थे, अधीन हो जाते थे कि भाई हम अपना राज्य आपके अधीन होकर के चलाएंगे, आप जो कहोगे हम वही काम करेंगे, तो वो भी डॉक्यूमेंट ही होता था। ठीक है, तो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स वर केयरफुली प्रिजर्व, और लेटर कौन से? वो लेटर जो वो कम्युनिकेशन के थ्रू एक लेटर दूसरे लेटर को दिया करते थे, एक राजा से दूसरे राजा, या अपने आप में कम्युनिकेशन करते थे आपस में लेटर के थ्रू, देवर कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, कि उनको दिया उनको भेजा, वो लेटर्स भी बेटा वो आपस में क्या करते थे? संभाल के रखते थे। अब आप कहोगे कि सर उन लेटर्स को संभाल के क्यों रखते थे? तो बेटा उन लेटर्स को
इसलिए संभाल के रखा जाता था ताकि वो राजा अगर अपनी बात से मुकर जाए या कुछ बात को ना माने तो वो उस एविडेंट के थ्रू उस लेटर को बता सके कि आपका और हमारे बीच में ये कम्युनिकेट हुआ था, ठीक है। तो इसलिए उसको भी वो संभाल के रखते थे ताकि आने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोच के बैठी थी कि भारत अब हमारा ही रहेगा जिंदगी भर तक, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां, उसकी जनरेशन भी हमारे इन डॉक्यूमेंट्स को देख देख करके कहे कि हमारी ये एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। तो ये हुआ करता था, ये बात आ गई समझ में। अब इनको करने के लिए क्या किया उन्होंने, रिकॉर्ड रूम्स वर अटैच्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन। अब रिकॉर्ड रूम्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स रूम बेटा उन चीजों को कहा जाता है जैसे कि जहां पर भी ब्रिटिश स्टैब्लिश होते थे, जैसे कि मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, जब राजस्थान, दिल्ली, इन सभी में जहां पर भी उनकी ब्रांचेस होती थी, जहां पर भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, वहां पर वो एक स्पेशल रिकॉर्ड रूम बना करके रखते थे। जैसे कि आपके स्कूल में भी होते रिकॉर्ड रूम्स होते हैं अलग अलग तरीके से, तो वहां पर बेटा क्या करते थे, वो अपना एक पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, उस पूरी बिल्डिंग में क्या होता था, उनमें से एक कमरा या कुछ 10-15 कमरे ऐसे रख दिया जाता था कि ये रिकॉर्ड रूम्स हैं हमारे। उनके अंदर में क्या होता था बेटा, इन रिकॉर्ड रूम्स के अंदर में कई बहुत बड़े सेफ अलमीराज होती थी, कोई बहुत हाईटेक अलमीराज होती थी जिनको खोलना बड़ी मुश्किल होता था, या बहुत सेफ अलमीराज होती थी, ठीक है। तो जिस तरह का डॉक्यूमेंट होता था, जितना इंपॉर्टेंस का डॉक्यूमेंट होता था, उसको इतना ही सेफ अलमीरा में रख दिया जाता था ताकि ये रिजर्व रह सके, ताकि इसको बचा करके रखा जा सके, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने क्या रखा हुआ था बेटा, रिकॉर्ड रूम्स रखे हुए थे कि ताकि इन रूम्स के अंदर में हमारे कागज को रखा जा सके। अब वो रूम्स बेटा कोई नॉर्मल नहीं होते थे, ये लिया और कागज रूम में फेंक दिया, उनमें बाकायदा स्पेशल अलमीराज होती थी जो स्पेशल कुछ ही व्यक्ति या कुछ ही लोगों को एक्सेस होती थी उनको खोलने का, ठीक है। स्पेशल रूम्स होते थे, वर अटैच्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उनमें रिकॉर्ड रूम मिलते थे। और इसको इसकी एक पहचान बेटा, अगर आप कभी सरकारी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए होगे या किसी ऑफिस में गए होगे तो आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा रिकॉर्ड रूम, तो वहां पर भी उस ऑफिस के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, छोटे बड़े सारे, ठीक है। लाई अब वो संभालते कैसे थे, अब वो लाई आर्चीव्स, आर्चीव्स क्या होता है, आर्चीव्स का मतलब होता है लेखागार, आर्चीव्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, लेखागार। इसका मतलब होता है कि जो लिखाई पढ़ाई के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे कि आपके हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लिखाई पढ़ाई के कोई बिल्स, कोई मेमोज, ये जितने भी होते थे वो आर्चीव्स में रखा जाता था। आर्चीव्स होते हैं, आर्चीव्स का मतलब भी एक तरह से जस्ट लाइक ए रिकॉर्ड रूम, ठीक है, जस्ट लाइक ए रिकॉर्ड रूम। उस रिकॉर्ड रूम के अंदर में आर्चीव्स होती थी, आर्चीव्स का मतलब होता है कि वहां पर लिखाई पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स के कागज रखे जाएंगे। एंड म्यूजियम्स, कि कुछ म्यूजियम थे जहां पर कुछ चीजों को संभाल के रखा जाता था कि ये चीज उस राजा से ली थी हमने, ठीक है, ये चीज हम उससे, जैसे कि ठीक है वर्ल्ड फेमस कोहिनूर का हीरा, ठीक है, तो वो क्या है, वो एलिजाबेथ ने खुद ही ले लिया था, ठीक है, जो कहां मिला था, गोकुल कुंडा की, मद्रास के गोकुल कुंडा की खाड़ियों से मिला था, ठीक है, खदानों से मिला था गोकुल कुंडा की, जो आपने कई बार सुनते हो कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर, ठीक है ना, वो बेटा कहाँ से मिला था, वो हमें मद्रास के गोकुल कुंडा से मिला था, ठीक है। वो मिलने के बाद में वो राजे ने ले लिया था, वो तो चलो अलग बात है, लेकिन कई और तरह के डॉक्यूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनको संभाल के रखने के लिए क्या होता था बेटा, म्यूजियम होता था। बट ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, आर्चीव्स थी, रिकॉर्ड रूम्स थे, म्यूजियम था, और उनको संभालने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, इंस्ट्रक्शन को, अलग अलग तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते, उनको सबको संभालने के लिए क्या बनाया हुआ था उन्होंने बनाए हुए थे अपने इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था। और ये सारे के सारे जो फंक्शन थे ये मिलते थे उनके हर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर में मिलते थे।
ओके नाउ थर्ड थर्ड पॉइंट क्या था? लेटर्स एंड मेमोस. लेटर्स होते हैं पत्र, पत्र लेटर्स एंड मेमोस. मेमोस मतलब होते हैं बिल, कोई बिल होना या कोई किसी बिल, मतलब कोई बिल या कोई कोई किसी की रसीद. ठीक है. लेटर्स एंड मेमोस ऑफ वेरियस ब्रांचेस वर आल्सो प्रिजर्व. कि जो लेटर्स भी होते थे कि आपस में लेटर डालना या उनको बात करना, जो कम्युनिकेट का एक थ्रू था उस टाइम में, टेलीफोन या कोई अदर अलग चीज नहीं होती थी, टेलीफोन या मोबाइल नहीं होते थे बेटा उस टाइम में, कंप्यूटर भी नहीं होते थे. तो उस टाइम में कम्युनिकेट का जो एक जरिया था, कम्युनिकेट का थ्रू था, माध्यम था, मीडियम ऑफ कम्युनिकेट क्या था? वो लेटर्स थे. वो एक दूसरे को लेटर से कम्युनिकेट किया करते थे. तो वो लेटर्स भी क्या करते थे? संभाल करके रखते थे. मेमोज जो बिल होते थे, वेरियस ब्रांचेस वर प्रिजर्व, अलग अलग ब्रांचेस में उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ था. रिपोर्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन, वो जो रिपोर्ट्स होती थी, इंस्ट्रक्शन होते थे, वो भी उनको रखा जाता था. नाउ वी आर एंड ऑफ द आंसर, एंड ऑफ द क्लास. दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड. अब बेटा याद रखना, ध्यान से सुनना. व्हाट आई एम सेइंग, दीज डॉक्यूमेंट कौन से? ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसीज, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट होते थे लाइक. तो वो क्या करते थे? दीज डॉक्यूमेंट वर केयरफुली कॉपीड. उनको क्या किया गया? केयरफुली कॉपीड किया गया. एंड ब्यूटीफुल रिटन इन कैलीग्राफिसिस्ट. ये क्या होता है बेटा कैलीग्राफिसिस्ट? पहले तो कैलीग्राफिसिस्ट को हम बाद में बताएंगे, पहले इसको बताते हैं. क्या था? ये सारे डॉक्यूमेंट थे ना बेटा, सारे के सारे, इनको कॉपी किया गया था. कॉपी मतलब उनके जैसा. उस टाइम में भाई पहले, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, हमें किसी चीज़ को कॉपी करना है तो क्या होता है, हम कार्बन कॉपी ले लेते हैं, कार्बन कॉपी कर लेते हैं, या फिर प्रिंटर के वाले भैया के पास में जाते हैं, उनसे प्रिंटर मशीन से निकलवा लेते हैं. पहले के टाइम में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता था. वो क्या करते थे? अब कोई डॉक्यूमेंट था, मान लो ये कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में कोई, मान लो ये कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है. उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को क्या करता था कि भाई अभी फट गया या गल गया या ये खराब होने वाला है या जो इसके ऊपर में लिखा हुआ है वो मिट जाएगा, तो उससे पहले वो क्या करते थे, उस डॉक्यूमेंट को दूसरे कागज के ऊपर में साफ साफ उतार लेते थे, साफ साफ लिख लेते थे, ठीक है. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बेटा इस कागज का एक ही कॉपी बनाएंगे, वो बहुत सारी कॉपी बनाते थे. मान लीजिए अगर ये कागज ओरिजिनल है हमारे पास में, ठीक है, उसकी कॉपी बना ली उन्होंने, ठीक है, और उसकी चार पांच छह कॉपीज बनाते थे. मान लो एक कॉपी फट जाए, जल जाए, तो दूसरी कॉपी काम आ जाए. अगर दूसरी कॉपी कहीं खो जाए, ठीक है, खो जाए, तो तीसरी कॉपी काम आ जाए. बाय चांस अगर तीसरी कॉपी कहीं बह जाए या गल जाए, तो इसी बारिश में कोई चोर लुटेरा लेकर के चला जाए, गुम हो जाए, तो फोर्थ कॉपी काम आ जाए. तो इसलिए बेटा वो पांच छह कॉपीज बना करके रखते थे एक ही डॉक्यूमेंट की, और उन सभी कॉपियों को अलग अलग जगह पर रखते थे ताकि एक जगह पर अगर खराबी हो, कोई आग लग जाए या बारिश से गल जाए या कोई हमला हो जाए या कोई चुरा ले जाए, तो एक ही कॉपी चुरे, बाकी और रिजर्व रहे. और इन कॉपीज को बेटा कौन लिखते थे? कैलीग्राफिसिस्ट लिखते थे. कैलीग्राफिसिस्ट. अब कैलीग्राफिस्ट आप बोलोगे सर कैलीग्राफिसिस्ट कौन होते हैं? कैलीग्राफिसिस्ट वो लोग होते हैं जो सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं. जैसे जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी, मुझे पता है आपकी की क्लास के अंदर में या आपके स्कूल के अंदर में कई बच्चे होंगे जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी. तो जिन लोगों की राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, जिनको लिखना बहुत सुंदर आता था, वो क्या करते थे? वो कैलीग्राफिसिस्ट होते थे. और उन्हीं लोगों से वो डॉक्यूमेंट की कॉपी करवाते थे कि इन डॉक्यूमेंट्स को लिख लो, और फिर उन कॉपीज को वो प्रिजर्व कर देते और विद ओरिजिनल को भी वो संभाल करके रखते थे. विद द सेपरेट ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज, और वो मल्टीपल कॉपीज बनाते थे. कैसी कॉपी बनाते थे बेटा? मल्टीपल कॉपीज बनाते थे कि बहुत सारी कॉपीज, ये एक गल जाए तो दूसरी निकल जाएगी, दूसरी खो जाए तो तीसरी आ जाएगी, तीसरी जल जाए तो चौथी आ जाएगी. तो मल्टीपल कॉपीज बनाते थे विद द हेल्प ऑफ कैलीग्राफिसिस्ट जो बहुत सुंदर लिखते थे, ठीक है, विद द
ऑफ दिस रिकॉर्ड वर प्रिंटेड, और कुछ रिकॉर्ड्स को प्रिंटेड भी करते थे, जैसे प्रिंटेड एक प्रिंटिंग मशीन आती थी ना, उसकी वजह से भी करते थे, वो प्रिंट कर लिया करते थे। ओके तो बेटा आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट आई एम गिविंग यू 5 सेकंड टू टेक स्क्रीनशॉट। बेटा आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके वेरी गुड, आई डू होप कि आपने ये वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, एंड आई डू होप आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, और बेटा इसके बाद में आप अपने चैप्टर की को रीड करें, और आई एम 101% श्योर कि अब आपको जो चैप्टर होगा, आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा, हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे कब और कहाँ, वो अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। ये चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, तो आई डू होप कि ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आएगी, उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखना। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।